नमस्कार, स्वागत है आपका एस टुडे के विशेष कार्यक्रम में। दिवाली का सीजन शुरू हो चुका है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, लोग जो है वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दिवाली पर मिठाइयों का अपना विशेष ही महत्व होता है, और वैसे ही हमीरपुर शहर में मिठाइयों के लिए सबसे फेमस सूरज स्वीट्स माने जाते हैं। आज हम उन्हीं की शॉप पे हैं और उन्हीं से बात करेंगे। आज बताएंगे कि दिवाली के लिए हमीरपुर शहर व अन्य लोगों के लिए किस तरह की मिठाइयाँ वो उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो एस्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, लोगों मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और आपकी दुकान की तो सबसे फेमस है हमीरपुर में, तो आप बताएंगे कि इस बार जो है दिवाली के लिए लोगों को क्या लेके आए हैं हम लोगों के लिए? हम दिवाली पे क्या हर फेस्टिवल पे डेली जो ताज़ा सामान दूध मंगाते हैं, और खोआ पनीर हम लोग बाहर से नहीं बनाते, अपने ही बनाते हैं, और जितना का हम बना पाते हैं, जितना का दूध मंगाते हैं, जितनी की डिमांड से कोशिश करते हैं, पूरी डे एंड नाइट लोगों को भरपूर हम लोग मतलब कि टेस्ट और ओरिजिनल जो सामान है वो दें। अगर हमारे पास कम हो जाता तो ख़त्म हो जाता, तो अब कुछ कर नहीं पाते, बेबसी होती है। मगर कोशिश हमारी होती है कि हमारे जितनी टीम है 125 बंदे हैं, हम लोग डे एंड नाइट लगा के दूध ज़्यादा से ज़्यादा मंगा के और खोआ बना के ताजी बना के ट्रे ले आके इधर लगाते हैं, और लोग उसको पसंद करते हैं, और इसलिए अब लोग टेस्ट जानने लगे हैं। पहले तो लोग आज से 3-4-5 साल पहले तो मिठाई खाना ही भूल गए थे, अब लोगों को पता चला कि मिठाई क्या चीज़ होती है, ओरिजिनल मिठाई क्या होती है और केमिकल वाली क्या होती है। हमारी जो मिठाई होती है 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, 3रे दिन ख़राब हो जाती है, और जो बाहर से मिठाइयाँ आती हैं 15-15, 20-20 दिन कोई केमिकल लगा होता है, पता नहीं क्या लगा, हमारे को तो पता नहीं, पर वो चलती हैं, हमारी मिठाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो मिठाई आप ताज़ी ताज़ी लेके खाइए, स्टॉक में मत रखिए, घर में मत रख के 2-3 दिन के बाद मत खाइए। अगर ऐसे बात करें नॉर्मल, तो आप नॉर्मल कितनी मिठाई जो है वो बनाते हैं कि वो उतनी ही लगे और लोगों को अच्छी मतलब शुद्ध और ताज़ी मिठाई उनके घर तक पहुँचे? हम लोग डेली कोई हमारी जो प्रोडक्शन है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्विंटल मिठाई रोज़ की बना सकते हैं, वो डे एंड नाइट 24 घंटे लगा के, और वो 25-26 क्विंटल जो मिठाई बनती है वो हमारी शाम तक ख़त्म हो जाती है, और सुबह मॉर्निंग फिर हम लोग सारी मिठाई काट के लगाते हैं दुकानों पे, तो अगर शाम तक चल जाती थोड़ा लगे तो फिर नाइट लगाते हैं, नहीं तो दिन में ही अपना काम शाम तक हो जाता है पूरा। सबसे ज़्यादा है आपकी दुकान में, अगर सबसे डिमांड के अनुसार बात करें तो डिमांड में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आती है? हर एक जो भी हम आइटम बनाते हैं वो डिमांड बन जाती है, जो भी आइटम बनाते हैं, जैसे कलाकंद है, मिल्क केक है, ये काजू कतली है और खोआ कतली है, मतलब प्योर दूध से है, हमारे पास दूध की मिठाई का टेस्ट आता है, अदरवाइज कोई मिठाई हो दूसरी उसका टेस्ट तब नहीं आता जब वो खोआ बाहर से लाते हैं, वो खोआ पता नहीं उसमें क्या होता है, विश्वास ही नहीं होता, और अपने बनाए हुए दूध से जो खोआ बनता है उसका टेस्ट हमारे को भी पता है, लोगों को भी पता है, लोग तभी पसंद करते हैं। शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम आपको दिखाएंगे सूरज बेकरी की, जहाँ पे मिठाइयाँ बनती हैं और किस तरह से उनको तैयार किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त रामधन जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन सी मिठाई बनाते हैं और कैसे कैसे वो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। रामधन जी, आप बताएंगे कि आप क्या क्या मिठाइयाँ बना लेते हो और कैसे कैसे बनाते हो? ये खोए की मिठाई बनती है जी, हरीतर सारे प्रकार की मिठाई बनती है जी, यहाँ ड्राई फ्रूट, मोतीचूर, हर तरह की मिठाई बनती है जी। क्या फेमस है जो स्पेशल आपको जाना जाता है कि नहीं, जो मिठाई है वो आप ही बनाएंगे? फेमस तो सारी चीज़ है जी, यहाँ की सारी चीज़ मिठाई फेमस है, मोतीचूर, ड्राई फ्रूट, हर तरह की मिठाई। अभी प्लेन बर्फी, पिस्ता बर्फी, डोडा बर्फी, मिल्क केक, कलाकंद, पिंक ब्लैक चमचम, पिंक चमचम, बेसन बर्फी, डेगरोसन जी। क्या है, कैसे कैसे बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं जी। क्या डालते हैं, क्या क्या डालते हैं? बेसन है जी, बेसन में चीनी डालते हैं जी, कोई मिलावट नहीं होती जी यहाँ जी। आपके साथ कितने लड़के हैं इस टाइम जो काम कर रहे हैं? ये सारे लड़के हैं जी, 12 लड़के हैं जी। साथ ही हमारे साथ और भी आई, उनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि आप क्या बनाते हैं और किस तरह से इतने ग्रुप में जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं? जी, हम यहाँ पे सब कुछ बनाते हैं, ये मैं और मेरे भाई, हम सब दिन रात मेहनत करके सूरज स्वीट का ही नाम नहीं अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ पे, समझ नहीं, हर चीज़ यहाँ पे मशहूर है, हर चीज़ यहाँ पे स्वादिष्ट से ही जाना जाता है, सूरज स्वीट कि हमारी क्वालिटी के ऊपर ही सब कुछ यहाँ पे जाना जाता है। अब दिन रात मेहनत करके यहाँ पे हर चीज़ की प्रकार से मिठाई बना रहे हैं, तो कस्टमरों को पता ही होगा कि यहाँ पे हर चीज़ स्वाद का ही फेमस है,
हर चीज़ यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिलती, कोई मिलावट वाला काम नहीं, मतलब कोई पाउडर वाला काम नहीं यहाँ पे होता। हाँ जी, हर चीज़ यहाँ पे हर प्रकार से प्योर ही सामान बनता है यहाँ पे, कोई मिलावट वाला सामान नहीं। हर चीज़ जो भी आप कहो हर स्वाद से प्रकार से जाना जाता है। क्या क्या बन रहा है इस वक्त? सब कुछ बनना है यहाँ पे, खोया चमचम, ब्लैक चमचम, पिंक चमचम, पिस्ता बर्फी, हर चीज़ की हर वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है कि पूरे हमीरपुर पर यहाँ पे कहीं भी नहीं होगी। संस्थाएं हैं या व्यक्ति हैं वो जुड़े हुए हैं, कितने परिवार जो हैं वो सूरज स्वीट की वजह से चल रहे हैं? 150 परिवार कम से कम यहाँ पे इसकी बदौलत चल रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से जो हैं वो मिठाइयाँ इतनी शुद्धता से बना रहे हैं, इतने स्टाइलिश तरीके से इन्हें पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मिठाई बनाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोटा चौक पे, सूरज ब्रेकर की शॉप पे, 5 नंबर शॉप है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिवाली को लेकर इन्होंने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे साथ यहाँ पे शॉप पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की मिठाइयाँ जो हैं इस बार जो है वो लोगों के लिए मिल रही हैं। इस बार क्या क्या मिठाई जो है दिवाली पर लोगों के लिए उपलब्ध करवा रही? इस बार जो है हम छेना स्लाइस, काजू कतली, काजू बर्फी, बादाम बर्फी, लच्छा बर्फी, इनके हर टाइप की जो है जितनी भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर हिमाचल में होती है या पंजाब में, जिनके सारी मिठाइयों की अवेलेबिलिटी हमारे पास तकरीबन 80-90 प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों? लोग ज़्यादातर जो हैं वो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खोया कतली और लच्छा बर्फी इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी जो है वो मिल्क केक, कलाकंद, ये तो आम डेली का रूटीन है ही, इसमें तो ज़्यादातर डेली की डिमांड है। दिवाली पे इस बार कुछ खास भी है जो अलग से बनाया हो कुछ? अलग से हमने जैसे जो है वो काजू कतली है जो 800 रुपये किलो के हिसाब से है, उसको हमने पैकेज बनाए हैं 1/2 किलो और 1 किलो के। बाकी और मूँग दाल बर्फी स्पेशल जो है वो देसी घी में बनाई हुई है। बाकी जो है वो गिफ्ट पैक जो हैं वो भी हमने इस बार अरेंज किए हुए हैं ताकि कस्टमर जो हैं उस ढंग से ले सकें और अपने रिलेटिव्स को जो हैं वो गिफ्ट प्रेजेंट कर सकें। साथ ही अगर बात करें शुद्धता की तो कितनी जो है वो यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से मिठाई जो है वो बनाई जाती है? साफ़ सफाई का इंडस्ट्री में भी और यहाँ भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो नंगे हाथ कहीं भी काम नहीं करता। और कहीं भी जो मेडिसिन्स है, जहाँ फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री एरिया में कम्प्लीटली जो है टोटली फ्लाईलेस, और कोई भी बंदा जो है वो यानी कि नंगे सिर जो है वो काम नहीं करेगा, पूरा ढका हुआ होगा। स्वच्छता का ध्यान पूरा ध्यान रखा जाता है और एवरी वीक जो है वो उनका जो है वो पूरा चेकिंग किया जाता है ताकि कोई किसी प्रकार का जो है वो किसी के अंदर कोई सफाई की कमी ना हो। क्या संदेश देना चाहेंगे सूरज ब्रेकर की तरफ से? हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो गंदगी की बजाय जो है वो स्वच्छता को जो है वो प्राथमिकता दें, प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि आज आकर हम सस्ती चीज़ें खाएंगे तो कल को डॉक्टरों को जो है वो उससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो बीमारियों में लगाएंगे। तो अगर मिठाइयाँ खानी हैं तो स्वच्छता जो जहाँ सफाई को देख कर उस ढंग से जो है वो मिठाइयाँ खा लें। मेरा नाम विदिशा है। अब बताओगे आप सूरज ब्रेकर की शॉप पर आए हो, क्या पसंद कर रहे हैं? मेरे को तो सारी चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ सफाई से बनाई जाती हैं, साफ़ सफाई से रखी जाती है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। दिवाली आ रही है, दिवाली पे मिठाई तो पसंद करते हो जी, तो कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है? मुझे पेठा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस बार पेठा खरीदने आए हो? कुछ भी खरीद लेंगे जो मेरे ब्रदर्स वगैरह को, लेकिन अभी तो हमने पेठा खरीदा है। ओके, इस वक्त हम मौजूद हैं सूरज ब्रेकर की शॉप नंबर 3 में और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मिठाइयों के लिए ये फेमस होते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी मिठाइयां जो है वो इनकी हर दुकान पे उपलब्ध हो रही हैं। यहाँ भी हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। इस वक्त आपकी शॉप में हम आप बताएंगे कि क्या क्या जो है वो लोगों को दिवाली के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ी मिठाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं और यहाँ पे सारे इलाके में हमारी 6 शॉप आज की तारीख में चल रही हैं और सब पे बिल्कुल ताज़ा मिठाइयाँ दी जा रही हैं और ग्राहक भी अच्छे से आ रहा है, रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं भी हर ग्राहक को
भी अच्छी मिठाइयाँ दी जाएँ और अच्छे तरह से जो भी प्रोडक्ट दिए जाएँ। जय हिंद जय भारत। अभी अगर बात करें तो दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए आपने किस तरह से नई जो कुछ वैरायटी लाए हैं इस बार? नई बहुत वैरायटियां, हर बार हर साल नई वैरायटियां लगाते हैं, 3 साल से नई नई वैरायटी लाते हैं और रेट भी रीजनेबल रखते हैं जिससे ग्राहक उत्साहित होता है और आता है। क्या तोहफा लेके आए हैं इस बार सूरज ब्रेकर की बात करें तो दिवाली के लिए लोगों के लिए? ये एक तोहफा ही है जो सब मिठाइयाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, सस्ते रेट पर करवा रहे हैं और अच्छी दे रहे हैं, बढ़िया मिठाइयाँ दे रहे हैं। शुक्रिया सर। आप बताएंगे आप सूरज ब्रेकर से मिठाई लेके जा रहे हैं दिवाली पे, किस तरह का मिठाई लगती है आपको कि क्या? हमें तो अच्छी लगती है तभी यहाँ आए हैं। कब से ले जा रहे हैं आप यहाँ? जब से ये खुली हुई है तब से हमने ट्राई किया तो हमें अच्छी लगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप अंकल जी दिवाली की मिठाई खरीद रहे हैं, आप बताएंगे कि सूरज ब्रेकर की मिठाई किस तरह की लगती है आपको? हम तो पहले से भी खरीदते हैं यहाँ पे, अच्छी है मिठाई, अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या क्या वैरायटी आपको मिल जाती है और दुकानों के मुकाबला अगर करें सूरज ब्रेकर से तो किस तरह से आपको बेहतर लगती है? और दुकानों की निस्बत मिठाइयाँ तो सभी दुकानों में मिल जाती है ना, लेकिन इसमें थोड़ा साफ सफाई का जो ध्यान है ना वो ज़्यादा बेटर है। अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद भी अच्छा है, तभी लोग आते हैं। इस बार जो है बहुत सी वैरायटियां इन्होंने रखी हुई हैं दिवाली को लेके, तो आपको क्या पसंद आ रहा है सबसे ज्यादा? अभी तो खाएंगे तभी पता लगेगा। या तो आपने बोला हो तभी ये चीजें। दिवाली पे इस बार जो है इन्होंने अलग किस्म की मिठाइयां बनाई हैं तो जो देखने में भी अच्छी लग रही हैं। अगर साफ सफाई की बात करें तो कितनी साफ सफाई आपको लगती है कि और दुकानों में इतनी नहीं है? देखो कम से कम 25% फर्क तो है, ये 25% फर्क तो है साफ सफाई में बाकी दुकानों की निस्बत। अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस भी अच्छी है, सर्विस भी ठीक है, अच्छी सर्विस देते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ इस वक्त प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस किस तरह की मिठाई जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। प्रियंका आप बताएंगे कि आपकी शॉप है यहाँ पे, आप काम करते हो सूरज ब्रेकर में, तो क्या क्या इस बार दिवाली पे आप लेके आए हो लोगों के लिए? डिज़ाइनिंग आइटम्स है, स्पेशलिटी काजू कतली है, कलाकंद है और ड्राई फ्रूट्स हैं। किस तरह का रुझान जो है दिवाली को लेकर लोगों का मिल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। इस बार अगर अलग बात करें तो स्पेशल क्या है इस बार? स्पेशल मैम ऐसे सारा कुछ स्पेशल है, ऐसे इधर की स्पेशलिटी का कलाकंद है, आज काजू कतली ज़्यादा बिक्री है मतलब, तो लोगों को ज़्यादा काजू कतली पसंद आ रही है। अगर साफ सफाई की बात करें कि अन्य दुकानों से साफ सफाई किस तरह से व्यवस्था है? जैसे काम करते हैं तो ग्लव्स डालते हैं यहाँ पे, जो बॉयज होते हैं वो कैप लगाते हैं, मतलब सफाई इधर अकॉर्डिंग टू मतलब दूसरी दुकानों से ज़्यादा ही है यहाँ पे। किस तरह की फैसिलिटी जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है? जो हमसे हो सके हमारा बेस्ट देते हैं हम।